हाय, और हम आ चुके हैं आरआर हेल्थ केयर। डॉक्टर खरे जो हैं, राकेश खरे, उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली रोड पे। ये जय हिंद, जय भारत। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए। कैसे हैं आप लोग? मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, लगभग 3.5 या 4 महीने पहले। अब तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी। अब मैं ठीक है, गलत कहूँ क्या कहूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसलिए मेरा राइट वाला जो कॉलर बोन है फ्यूज़ हो गया, यहाँ से ये दर्द पहले से कम है क्योंकि मूवमेंट कम है। अब मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं खुशी मनाऊँ या अपना अफसोस जाहिर करूँ। अफसोस इसलिए कि हाथ जाम हो गया मेरा, और खुशी इसलिए कि मेरा पेन कम है, क्योंकि दर्द बहुत परेशान करता है मुझे। लेकिन आई थिंक मैं परेशान होने वाला बंदा हूँ नहीं, मैं खुशी रहना पसंद करता हूँ। और आज मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह को हो सकता है कि मुरादाबाद जाना पड़े। मेरा एक बचपन का साथी है, दोस्त है मेरा असलम, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसका हिप जॉइंट रिप्लेस किया गया है। तो आज शाम मेरी उससे बात चल रही थी। और ये मेरा रूम है, नो LED, नो TV। गाने सुनने का शौक है मुझे, तो मेरे पीछे होम थिएटर लगा हुआ है, और मेरा बेड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं आपसे सच बता रहा हूँ ये बात। जब समय अच्छा होता है ना, तो सब लोग अपने होते हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो बहुत कम लोग अपने होते हैं। और उस समय में जो लोग अपने होते हैं ना, वो आप ही मान के चलें कि वो अपने ही होते हैं। जब समय किसी का विपरीत चल रहा हो, समय खराब चल रहा हो, तो उस समय जो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, वो लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी जीवन में। तो जो लोग भी आपके साथ ऐसे लगे हुए हैं, जो आप चाहे वो आपके रिलेटिव हो, सगे संबंधी हो, या आपके दोस्त हो, मित्र हो, या आपके मोहल्ले वाले हों, पड़ोसी हो, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। I mean, जो ह्यूमन नेचर है ना, वो थैंकलेस नहीं होना चाहिए। एहसान फरामोशी अच्छी नहीं होती, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं जिस दोस्त को अपने कल को देखने जाने वाला हूँ, वो मेरा बचपन का दोस्त है, कक्षा 1 से मेरे साथ पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से वो मेरा क्लासमेट रहा है, और 5th क्लास तक ओनली। अब उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है भाई, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है, ये मैंने फेस की है, बेड पे रहने वाली, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैं हर हफ्ते देखने जाता हूँ उसको, मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है, मैं सुबह को मिलवाऊंगा जब आएगा वो। बाकी चल रहा है अच्छा। मेरा ब्लॉग चले या ना चले, मेरे व्यूज़ बढ़े या ना बढ़े, इस बात से मेरी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा कोई वीडियो वायरल होगा नहीं होगा, I don't care। मुझे जो करना है सो करना है। और ये जो व्लॉग बनाने का जो निर्णय है, ये मेरा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने एक वीडियो में। ये निर्णय भी मेरे दोस्तों का है, उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई हम लोग नहीं कर पाते, तो कर लेता है, हम लोग तो स्वस्थ हैं, तो फिर भी समस्या है तेरे साथ, इतना घूमता है, हम लोग नहीं जा पाते हैं तो घूमता है फिर भी। तो सब कुछ उन्होंने किया, व्लॉग भी उन्होंने बनाया मेरा, ये जो चल रहा है आज की तारीख। तो कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, I don't care। मेरी सेहत पे या मेरी प्रतिष्ठा पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन डिसलाइक कर रहा है मुझे, कौन क्या कमेंट कर रहा है मुझे। मुझे जो करना है सो करना है। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, चाहे आप कोई सहमत हो या ना हो इस बात से, कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है
तो आप उसकी परेशानी को उसको जरूर पूछें, क्योंकि जब दिन अच्छे होते हैं ना तो सब अपने होते हैं, और जब दिन विपरीत होते हैं ना, समय विपरीत होता है, तो बहुत कम लोग अपने होते हैं, लेकिन उस समय जो अपने होते हैं ना वो वास्तव में अपने होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँ बस, तो जो बुरे समय में आपका साथ दे रहे हो ना, उन लोगों को कभी मत भूलना आप लोग। मैं नहीं भूलता हूँ। इस समय समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? बारह बज के 2 मिनट, ये जल्दी सोने का टाइम है मेरे, जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह को जल्दी उठना है। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। और मैंने रात आपसे कहा था कि कल को हमें जाना है मुरादाबाद, और मैंने रात एक अपने दोस्त का नाम लिया था जिसके साथ मुझे जाना था, उससे मैं मिलवा देता हूँ, परवेज। और ये मेरे बचपन का दोस्त है, फर्स्ट टू फिफ्थ तक पढ़े हम लोग भी, और हम मेरा हमारा दोस्त है, उसका ऑपरेशन हुआ है मुरादाबाद, उसको हम देखने जाना है। और मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं आपको बता दूँ, ये है, ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपना अभी खो बैराज का, ये वही वाली जो है बड़ी नहर आ रही है सिवारा रोड पे, सिवारा, उसके बाद में यहाँ से क्या आगे क्या पड़ेगा, सैसपुर पाट, अगवानपुर और मुरादाबाद। और हमारे पीछे है छोटी वाली नहर, ये देखो, लेकिन आज इसमें पानी बंद है, उस दिन दोनों में पानी चल रहा था, आज इसमें पानी नहीं चल रहा है। ठीक है सर, अब हम यहाँ से जाएंगे सिहारा, उसके बाद में जो है सहसपुर, सजलैट पाट, फिर मुरादाबाद। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपसे, हम लोग बाइक से क्यों आए हैं, क्योंकि इसको वोमिटिंग होती है, ये फोर व्हीलर में जर्नी नहीं कर सकता है, और ट्रेन से अगर हम आते हैं तो बहुत जल्दी आना पड़ता है, सर्दी हो रही है, तो इसलिए हम दोनों बाइक से आए हैं, इसकी वजह से इसके साथ समस्या है। फिर मिलता हूँ आगे चल के, ओके बाय। हम आ चुके हैं आरआर हेल्थ केयर, डॉक्टर खरे जो हैं, राकेश खरे, उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली रोड पे, और अभी एक यहाँ पेशेंट हैं उनकी, मतलब उनके साथ में हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि भैया आप परेशान हो, मैं इनसे कह रहा हूँ कि मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, अब मैं अपने दोस्त से मिलवा दूँ असलम से, मैंने कल रात आपको बताया भी था कि मैं उसको देखने जाऊँगा आज, तो ये मेरे बचपन का साथी है असलम, इसका ऑपरेशन हुआ है, इसका हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, और आज शायद चौथा दिन है ऑपरेशन को, बहुत ज़्यादा पेन था, चला नहीं जा रहा था इससे, बहुत ज़्यादा वॉकर लेके चल रहा था ये, तो अभी लगभग कितने दिन लग जाएंगे, एक आध हफ्ता और लग जाएगा, अभी लगभग 1 वीक इसको लगेगा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ से इसको छुट्टी मिलेगी। और परवेज ये आदमी फोर व्हीलर में जो है ट्रैवल नहीं कर सकता, इसको उल्टी आती है, और इसकी वजह से मुझे बाइक पे आना पड़े, और ट्रेन से आती तो फिर यहाँ से ट्रेन मिलती नहीं, फिर देर हो जाती है मैं जाने के लिए। अब नीचे कुछ और लोग आए हैं मिलने, और यहाँ का जो रूल है वो ये है कि 1 टाइम ओनली 2 पर्सन मिल सकते हैं, एक समय में 2 ही लोग ऊपर आ सकते हैं,
तो हमें जो पास दिया गया है वो हमें नीचे ले जाके देना पड़ेगा, तब वो दोनों लोग ऊपर आएंगे। अच्छा ये वाली जो स्थिति होती ना, ये हॉस्पिटल में रहने वाली, भाई मुझे बहुत डर लगता है इस ऑपरेशन से। मैं इसलिए अपना ऑपरेशन नहीं कराता, आज तक नहीं कराया मैंने। मैं थैंक्स फॉर गॉड ऐसी बहुत अच्छा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर असलम, फिर मिलते हैं ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम नीचे की ओर। चलो सर स्टिक काम ही नहीं, अरे स्टिक भूल गया मैं अपनी भाई। और रूम नंबर 112 जहाँ पर ये था बंदा दोस्त मेरा। अरे असलम कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दियो भाई, है ना। चल ठीक है भाई, हम लोग मुरादाबाद से वापसी होते हुए भगवानपुर आ गए हैं। यहाँ मेरी मौसी रहती हैं और खाना रेडी है, आप खा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या क्या बना है? ये बना है जी आलू टमाटर और शिमला मिर्च, ठीक है जी। और मेरी मौसी तो हम खाना खा लें आफ्टर द ब्रेक। खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब खाने के बाद है मीठा भी खाना है। अच्छा तो मौसी मीठा तो बनता है साहब? हाँ मीठा बनता है। मौसी जो है वो रसगुल्ले गर्म कर रही हैं, अभी रसगुल्ले आएंगे, रसगुल्ले खाएंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग देखना हम खाएंगे, क्योंकि ऐसा संभव है नहीं कि आप लोग भी खा लो। ये कह रहा हमें वहां तक पहुंचा दो फिर तुम्हें भी खिला देंगे हम। लो जी रसगुल्ले आ गए हमारे। लो जी मेरी मौसी बहुत ध्यान रखती है मेरा। खाने रसगुल्ले देखो, लो देख लिए। चलो अब हम लोग खा लें, खा के देखते हैं भाई कैसे हो रहा है, कभी मुंह जल जाए ज़्यादा गर्म हो, है ना। कैसे भाई ज़्यादा गर्म तो नहीं है, सही हो रहा है? मैं भी टेस्ट कर लूँ ज़रा। तीन दिन हो गए थे घर से बाहर का खाना खाते खाते। हम लोग मुरादाबाद भी खा सकते थे, लेकिन मैंने मौसी को कॉल करी कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा जो है खाना बना लो आप। पता क्या होता फिर, मुझे लग रहा था कहीं पेट गड़बड़ हो जाए, तो कम से कम घर का खाना बड़ा ज़रूरी होता है भाई, और मैं बचता हूँ बाहर के खाने से। वो बात अलग है, घूमने जाते हैं 3-4 दिन का टूर है तब तो घर का ले जा के नहीं जा सकते हैं, 1 दिन तो ले जा सकते हैं, तो मजबूरी में खाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ घर का ही खाना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम सुकून के साथ खाना तो खाया जाता है। अब हम यहाँ से ये फिनिश करेंगे रसगुल्ला अपना, और यहाँ से निकल जाएंगे हम धामपुर के लिए। अब लोग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बाइक से आए हैं, फिर ठंड हो रही है, कोहरा आ जाएगा फिर। हाँ क्या कह रहा? हाँ ये बाहर रख लूँगा मैं, फिर कोहरा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हमें, बहुत ज़्यादा ठंड है।